I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो फ्रेंड, मैं अफजल इस्लाम, आप देख रहे हैं जहानाबाद ब्लॉगर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज कुछ अपडेट देना चाहता हूँ जहानाबाद का। प्रशासन विभाग उसमें जुटा हुआ है और संधिकरण के लेके जहानाबाद में बहुत ज़्यादा अपडेटेड प्रशासन कर रहे हैं धीरे धीरे। और मैं बताते चलूँ कि जहानाबाद का जो दिल है, लाइफलाइन है, वो जहानाबाद पुल है जो दरधा नदी के नाम से जाना जाता है जहानाबाद में, उसी को आज एक्सप्लोर करने मैं जा रहा हूँ। इसमें कुछ इंजीनियर, कुछ वर्कर और पुल निर्माण विभाग और रोड डिपार्टमेंट विभाग दोनों मुस्तैद से लगे हुए हैं कि जितना जल्दी सौंदर्यीकरण करके आपको पुल चालू करके जहानाबाद वासियों लोग को खुशखबरी दे। और जल्दी ही चालू होने के कगार पे है। और बताते चलूं कि अब लेके चलता हूं मैं डायरेक्ट पुल पे। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? देखिए, इधर रेलवे पुल है, आपको ट्रेन आ रही है, आपको हम दिखला देता हूँ। ये ट्रेन आ चुकी है। कब तक ये पुल क्लियर हो जाएगा सर? जनवरी लास्ट होते होते। जनवरी लास्ट होते होते। और इस पुल को बनाते समय कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई है? ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वही दिक्कत आया है, बाढ़ उड़ा गया, तू सब प्राकृतिक जो है उसके चलते दिक्कत है। जी, नाम आपका क्या है सर? अनिरुद्ध कुमार। आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पे? यहाँ मैं प्रोजेक्ट मैनेजर पर। प्रोजेक्ट मैनेजर पे, ठीक। थैंक यू सर। देखिए, यहाँ कैसे काम हो रहा था, जिस टाइम पानी बहुत ज्यादा आ गया था तो फ्लटेड का सिस्टम हो गया था, तो बांस और बल्ला से आपको पानी रोकने के लिए ये सब काम किया गया था। उसके अकॉर्डिंग फिर काम रुके नहीं, जितना जल्दी इसको पब्लिक को चालू करने के लिए, जितना जल्दी जिला प्रशासन सोच रही है कि जितना जल्दी चालू कर दे। और वो पिछला जो पुल है वो डैमेज हो चुका है,
एक पोर्शन हल्का डैमेज हो गया, ओवरलोडेड गाड़ी यहाँ पे जाना आने के लिए रोक हो गई है। और मैं बता दूं कि ये जनवरी तक आपको चालू मिल जाएगा, और कोशिश हो रहा है जिला प्रशासन की ओर से कि जितना जल्दी चालू कर दे, जो अतिक्रमण किए हुए हैं लोग उसको मुक्त करके पब्लिक का हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये बंद कर दिया गया कि कोई पुल पे चढ़े नहीं, और किसी भी तरीके से मैं इजाजत लिया हूँ। बहुत ही मुशक्कत के बाद मुझे परमिशन मिला है अंदर जाने के लिए, और मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखला दूं आपको, और परमिशन तो मिल गया और आप लोग को दिखला दूं कि किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए कैसे काम हो रहा है। नॉइस को माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बगल वाला जो पुल है उस पे गाड़ियां दौड़ रही है फर्राटे भर के, और कुछ दिन बाद इस पे भी फर्राटे भर के दौड़ेगी गाड़ियां। कुछ आधुनिक मशीनें भी यहाँ पे हैं। ये नया ही ढलाई हुआ है और इस पे मैं चल रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम चल रहा हूँ इस पे। और ये देखिए सेंटिंग का काम हो रहा है, और बस कुछ ही बस एक और पुल बनेगा और उसके बाद सेंटिंग होकर ढलैया होकर काम हो जाएगा। और उस तरफ देख सकते हैं आप रोड है। ये NH-83 है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये राजधानी को भी जोड़ता है और गया और बोध गया को भी ये पुल जोड़ता है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहानाबाद के लिए ये माना जाए तो दिल है, और बहुत ही जल्दी पब्लिक के हैंडओवर हो जाएगा, इस पे फर्राटे भर के गाड़ियां दौड़ेगी। ये चालू वाला पुल से हम लोग जा रहे हैं, आपको सीन दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। नदी के उस छोर पे थे, अभी इस छोर पे आ गए हैं, और दिखला दूं कि कितना काम हो चुका है। और जल्दी ही दावा तो किया जा रहा है कि जनवरी तक क्लियर हो जाएगा, देखा जाए कि कब तक क्लियर होगा। मैं अब यहीं पर वीडियो एंड करता हूं, आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।